अल्लाम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माई चैनल। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ और आप सब लोगों के लिए दुआ गो हूँ। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आई हूँ मेहंदी के बहुत ही खूबसूरत डिफरेंट डिज़ाइंस आइडियाज़। हर किसी की मेहंदी की चॉइस डिफरेंट होती है। किसी को बहुत भरी भरी मेहंदी पसंद होती है, किसी को बारीक बेलें। आपके लिए डिफरेंट डिज़ाइनिंग दिखा रही हूँ। मोस्टली भरी हुई मेहंदी के डिज़ाइन आपको देखने को मिलेंगे, जिसे हम ब्राइडल भी बोलते हैं। ब्राइडल मेहंदी के डिफरेंट पैटर्न्स होते हैं। किसी किसी में जैसे आपको देखने को मिल रही हैं, बॉर्डर लाइंस के जरिए पूरी मेहंदी को डिज़ाइन किया जाता है। बॉर्डर लाइंस ऐसे होती हैं जिसकी वजह से हम अपने डिज़ाइन को प्रोमिनेंट कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपने कोई फ्लावर बनाया है, कोई पत्ती बनाई है, अम्बी बनाई है, तो उसकी बॉर्डर लाइन बनाने के बाद बाकी का डिज़ाइन बनाया जाए। उससे ये होता है आपका डिज़ाइन प्रोमिनेंट और बहुत खूबसूरत और नफीस और नीट लगता है। इस तरह की कुछ बातें आपको मद्देनजर रखनी पड़ती हैं। जैसे कि आप ये वाला मेहंदी डिज़ाइन देख रहे हैं, इसमें बहुत ज़्यादा बॉर्डर लाइंस बनाई हुई है। अगर आप इस तरह से कंटिन्यूस मेहंदी लगाते रहेंगे तो वो फुल भरी भी लगती है, जैसे इसमें आपको देखने को मिल रही है। हर जगह बॉर्डर लाइंस हैं, उससे हर पैटर्न फ्लावर लीफ वगैरह प्रोमिनेंट हो रहा है। इसमें भी बॉर्डर लाइंस हैं, इसमें भी आपको पैटर्न्स देखने को मिल रहे हैं, फ्लावर्स लीव्स वगैरह, और जो पेटल्स बनी हुई है, चेक बना हुआ है। हर स्टाइल प्रोमिनेंट होता है अगर हम बॉर्डर लाइंस बना लेते हैं तो। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये बात समझ आ गई होगी। मुझे खुद को मेहंदी लगानी आती है, इस वजह से मैं आपको ये अच्छे से समझा रही हूँ। अगर आपको मेहंदी सीखनी है या कोई ट्यूटोरियल चाहिए तो वो भी बताइएगा ज़रूर, ताकि हम आप लोगों के लिए प्रोवाइड कर सकें। वैसे इस चैनल में मैंने कुछ मेहंदी के ट्यूटोरियल ज़रूर प्रोवाइड किए हैं, आपको प्लीज़ देखिए। अगर आप सीखना चाहते हैं तो प्लीज़ देखिए। वैसे मेहंदी लगाना एक आर्ट है जो कि हर किसी को आनी भी चाहिए, इसलिए नहीं कि वो दूसरों के लगाए, बल्कि अपने लिए भी आनी चाहिए। आप खुद भी लगा सकते हैं अपने राइट हैंड से, तो आप अपने लेफ्ट हैंड पे लगा ही सकते हैं। मैं जब अपने राइट हैंड से अपने लेफ्ट हैंड पे लगाती हूँ तो बहुत खूबसूरत मेहंदी लगती है, लेकिन मेरा राइट हैंड सूना रह जाता है, तो वो मैं अपने कज़न से फिर फिलअप करवा लेती हूँ, यानी उससे लगवा लेती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। कमेंट्स में अपनी राय देना मत भूलिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। ओके व्यूअर्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।